मायसेल्फ सूर्यवंशी ललिता यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल औरा शाहजनी। आज हमें जीके सब्जेक्ट के बारे में जानना है। सिक्स स्टैंडर्ड का जीके है तो अनकॉमन एनिमल्स फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट है अनकॉमन एनिमल्स। अनकॉमन एनिमल्स मतलब क्या होता है? अनकॉमन एनिमल्स मतलब असामान्य जानवर। असामान्य जानवर मतलब क्या है? जैसे कि उसमें पैरट्स आता है, मेकाऊ आता है, ललमा आता है और उसके बाद जो है अमेडोलो आता है। इसमें हर एक इसमें के एनिमल्स आते हैं अनकॉमन एनिमल्स में। तो हमें इसमें अनकॉमन ये लेसन जो है फर्स्ट लेसन है, इसमें से अनकॉमन एनिमल्स मतलब क्या होता है इसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। लेसन नंबर फर्स्ट अनकॉमन एनिमल्स। देखो अनकॉमन एनिमल्स मतलब क्या होता है? देखो इसमें हमें अनकॉमन एनिमल्स मतलब ये जो 12th जो अनकॉमन एनिमल्स दिए हैं उसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। वो कौन से एनिमल्स है आज हमें देखें। तो आज हमें ये जो 12th जो अनकॉमन एनिमल्स है इसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। देखो फर्स्ट वन कौन सा एनिमल है? फर्स्ट वन है आर्डिवार। वो आर्डिवार जो एनिमल है वो एनिमल्स कौन सा है? देखो दिस एनिमल इज फाउंड थ्रूगेट और साउथर्न अफ्रीका। इट यूज इट्स स्किन सेंस ऑफ स्मेल टू सनीफ आउट इट्स फेवरेट फूड टर्मिट्स। वो देखो क्या है वह? यह एक ऐसा जानवर है पूरी दक्षिणी अफ्रीके में पाया जाने वाला एक एनिमल है। यह अपने प्रिय भोजन दीमक को सूखने में वो क्या करता है? अपनी गहरी गंध को वो स्मेल लेकर वो क्या करता है? उसका उपयोग किया जाता है। उसको वो खाने के लिए वो क्या करता है? उसका स्मेल का वो पहले वो ग्रास जो रहता है वो ग्रास का पहले स्मेल लेता है और स्मेल लेकर उसको क्या करता है? वो उपयोग करता है जैसे कि खाता है वो। डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट वन? सेकेंड वन देखो आई वो क्या है? देखो दिस एनिमल इज फाउंड ओनली वन द आईलैंड ऑफ मार्गास्कर। इट्स क्रैप क्लोज हेल्प इट्स क्लिंग टू इट्स ट्री टॉप होम। वह देखो यह एक ऐसा एनिमल है केवल वो मेडगास्कर के द्वीप पर पाया जाने वाला वह एक एनिमल है। तेज पंच इसे अपनी ट्री टॉप होम में पकड़ने में वो क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि ट्री टॉप वो ट्री के ऊपर जो फांदी रहती है उसको क्या करता है? वो पकड़ने के लिए उसका वो जो पंजा रहता है पैर में का जो पंजा रहता है वो पंजा क्या करता है? उसको पकड़ने के लिए उसका यूज करता है। ट्री टॉप होम वो टॉप ट्री का जो फांदी रहती है उसको वो पंजे से पकड़ने के लिए उसको मदद करने की कोशिश करता है। देखो ओसलेट देखो ओसलेट दिस एनिमल हैज डैपलेट फॉर दैट सर्विस एंड कॉम्फ्लूज इन द जंगल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। यह इस जानवर के जो फर रहते हैं वो डफ किया है। वह जो इस जानवर ने फर को डफ किया है जैसे कि उसके ऊपर जो फर रहते हैं उसके ऊपर के जो बाल रहते हैं उसको डफ किया है। जो दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में वो क्या करता है? छलावरण का काम करता है। छलावरण यानी वहाँ का देखने का काम करता है। वो जंगल में रहता है, जंगल का राजा बोलते हैं हम, वैसे वो जंगल में रहता है और वहाँ पे छलावरण का काम करता है। कौन करता है? वो ऑसलोट जो है यह एनिमल वो छलावरण का काम करता है। और उसके बाद देखो फोर्थ वन कौन सा है? ललमा। फोर्थ वन है ललमा। ललमा वह एनिमल कैसा एनिमल है? देखो दिस एनिमल इज साउथ अमेरिका रिलेटिव ऑफ कैमल थॉट इट डज नॉट हैव अ हम्प। यह एक ऐसा एनिमल है, यह एनिमल जो है वो ऊंट के जैसा है। कैसा है? ऊंट के जैसा दिखने में है और वह एनिमल एक दक्षिणी अमेरिके की रिश्तेदारी में रहने वाला एनिमल है और वो हल्की इसमें कुबड़ नहीं है। जैसे कि हर एनिमल को कोई भी एनिमल को कुबड़ रहता है बैक साइड वहां पे,
तो यह ललमा जो एनिमल है, यह ललमा को क्या नहीं है, कुबड़ नहीं है, वो कुबड़ नहीं है ये ललमा एनिमल को। वो एनिमल की जो नेक जो रहती है वो ऊंट की जैसी है। कैसी है? ऊंट की जैसी ऐसी लंबी नेक, नेक वाला वो एनिमल है। उसका नाम क्या है? ललमा है। और उसके बाद फिफ्थ वन जो है वो आर्मंडिलो। कौन सा एनिमल है वो? आर्मंडिलो एनिमल। वो आर्मंडिलो एनिमल कौन सा है? देखो, दिस एनिमल हैज लेथ्री आर्मोर सील्स, इट हैज पुर ए सिक्स बट कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड लॉन्ग अल्कोस फॉर डिगनिंग। यह एक ऐसा एनिमल है, इसके पास एक चमड़ी का कवच खोल है। जैसे कि ऊपर की चमड़ी जो रहती है उसका कवच कैसा है? वो खोल है, डीप में है। और इसमें एक खराब दृष्टिकोण भी है, लेकिन वो खुदाई के लिए स्मेल और लंबी पंजी की गहरी भावना भी करता है। जैसे कि वो लंबी पंजे जो रहते हैं उसके पैर वाले जो पंजे रहते हैं उसके, वो पंजे से वो क्या करता है? गहरी भावना की वो गहरी भावना है उसके पास। जैसे कि वो पंजा जो रहता है वो पंजे से वो क्या करता है? खुदाई करता है। जैसे कि वो खुदाई करता है। यह एनिमल के पास एक चमड़ी का कवच खोल है और इसमें खराब दृष्टि है उसकी, जो है वो खराब दृष्टि है। बट वो खुदाई के लिए वो स्मेल और उसके जो लंबे पंजे रहते हैं उसका वो यूज करता है। और उसके बाद जो है वो सिक्स्थ वन जो है वो कोमोडो ड्रैगन जो है वो एनिमल्स कैसा है? देखो, दिस एनिमल इज अ लिजर्ड फाउंड इन द लॉन्डनेसिंग आइलैंड, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग स्पाइसेस ऑफ लिजर्ड। यह एक ऐसा एनिमल है, वह एनिमल एक छिपकली के जैसा है। कैसा है वो? छिपकली के जैसा वह एक एनिमल है जो कि काक खजाक में पाई जाने वाला वो क्या है? एनिमल है। और यह एनिमल छिपकली के सबसे बड़ी प्रजाति है। जैसे कि वो छिपकली रहती है, वो छिपकली की जैसी वो एक प्रजाति है। और यह एनिमल कहाँ पे रहने वाला है? खजाक में पाए जाने वाला एनिमल है। खजाक में पाए जाने वाला यह एक एनिमल है। और उसका नाम क्या है? वो छिपकली है। उसका नाम क्या है? वो कोमंडा ड्रैगन। वो छिपकली की वो एक दूसरी प्रजाति है। वो छिपकली के जैसा जैसी दिखती है। और देखो सेवेंथ वन, देखो मेकाऊ यह एक एनिमल भी है और वो एक बर्ड भी है। यह देखो यह क्या है? इट इज अ लॉन्ग टेल्ड कलरफुल न्यू वर्ड पैरोट, इट लार्ज स्ट्रांग कर्वेट बेक डिजाइनिंग टू क्रश नट्स एंड सीड्स। यह एक लंबी पूंछ वाली रंगीन नई दुनिया का तोता है। नई दुनिया का क्या है? वो तोता है। तोता यानी पैरोट। तो इसकी बड़ी मजबूती घूमदार, जैसे कि वो घुमावदार जो ये रहती है, चोंच रहती है, घुमावदार चोंच नीट और बीच के कुचलने के लिए वो डिजाइन किए गए हैं। कुचलने के लिए, जैसे कि वो क्या करता है, बीच जो रहता है जैसा इसमें का जो फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स के ऊपर अंदर जो बीज रहते हैं वो बीज को वो क्या करता है, चोर से वो क्या करता है, कुचलने की कोशिश करता है। जैसे कि वो निकालने की कोशिश करता है वो चोर से, तो उसके लिए वो उसकी चोंच कैसी है? वो डिजाइनिंग किए जैसी है। जैसे कि वो उसकी चोंच कैसी है? ऐसे ऐसी डिजाइन किए जैसी उसकी चोंच है। तो उसका नाम क्या है? मेकाऊ है। क्या है उसका नाम? मेकाऊ है। तो
यह एक लंबी पूंछ वाली रंगी नई दुनिया का तोता है और इसकी बड़ी मजबूत घुमदाई चोंच जो है वो नीट और बीच के कुचलने के लिए उसकी वो कुचलने के लिए वो डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि वो बीज निकालने के लिए उसकी वो डिजाइन किए गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड मिकाऊ? और एट वन देखो, टू कैन देखो, इट हैज अ लार्ज कलरफुल बिल विच मे लुक लाइक इट पिक बीट बट इट इज बेटर अडेप्टेड फॉर फीडिंग दैट फाइटिंग। वो देखो टूकेन क्या है, टूकेन यह एक ऐसा एनिमल है, एक बड़ा रंगीन बिल है। क्या है वो? एक बड़ा रंगीन बिल है जो कि दिखने में ऐसा दिखता है वो जैसे कि उसकी जो चोंच रहती है वो चोंच से उसकी जो चोंच है वो चोंच को हम देखे तो क्या लगता है हमसे, वो काटता है ऐसे दिखता है। बट वो लेकिन यह लड़ने के बजाय वो खेलने के लिए क्या करता है, बेहतरीन है। क्या है वो? लड़ने के लिए लड़ने की वजह से वो खेलने के लिए वो बहुत अच्छा बेहतरीन है। उसकी चोंच कैसी है? वो कुछ तो लड़ने की जैसी है। यह एनिमल एक बड़ा रंगीन बिल है और जो दिखने में ऐसा लग सकता है कि यह एनिमल जो है वो काटता है ऐसे हमें दिखता है। बट वो लेकिन यह लड़ने के लिए काटने के लिए नहीं है, वो लड़ने की वजह से वो काटता नहीं है बट वो खेलने के लिए बहुत अच्छा एनिमल है। और उसके बाद जो है अंगेलिर फिश एंगलर फिश क्या है? देखो इट इज एन एंग्री लुकिंग डीप सी फिश, इट्स नेचुरल ल्यूर टू ड्रॉ इन मेल नेवर। देखो वो क्या है, वो कैसा एनिमल है देखेंगे। यह एक गुस्सा दिखाने वाली एक गहरेली समुद्र में रहने वाली एक क्या है, मछली है। गुस्सा दिखाने वाली वो एक समुद्र में रहने वाली क्या है, मछली है, जो अपने प्राकृतिक लालच का उपयोग अपने भोजन के लिए करती है। क्या करती है वो? कुछ तो एक वो इसके सामने आती है, वाटर में आती है और आने के बाद वो क्या करती है, कुछ तो एक लालच उसकी एक प्राकृतिक दिखाती है। वो इसका एक प्राकृतिक दिखाने के बाद वो लालच में आकर क्या करती है, उसके भोजन के लिए उसको कुछ तो डालने के लिए, हम वाटर में देखे तो कुछ तो डालते हैं, वो लालच में आकर उसका क्या करती है, हम उसके नजदीक जाने के लिए और हम उसको देखने के लिए वो क्या करती है, वो हमारे पास आती है। जैसे कि वो जैसे जैसे हम वाटर देख रहे हैं वैसे वैसे उसको वो क्या करती है, वाटर में हमारे पास आने की कोशिश करती है, वो हमें लालच दिखाती है हम कुछ तो डालते हैं बोलकर। समझ में आ रहा है? नजदीक आने के लिए वो करती है वैसा, वो क्या है, एंगलर फिश है, एंगलर फिश। उसके बाद देखो प्रेयरिंग मैंटिस क्या है? देखो दिस इंसेक्ट इज नेम्ड फॉर इट्स प्रोमिट्स फ्रंट लेग विच आर बेंट एंड हेल्ड टुगेदर एट एन एंगली दैट सजेस्ट एंड पोजिशंस ऑफ प्रेयर। यह एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि यह एक कीट को एक ऐसा इंसेक्ट है इसको प्रमुख अग्रभाग के लिए नामित किया जाता है। यह इंसेक्ट को अग्रभाग के लिए नामित किया जाता है और यह जो इंसेक्ट है यह इंसेक्ट प्रार्थना की स्थिति के संकेत देने वाली खोप पर एक साथ मुड़े हुए है। जैसे कि प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड्स हमारे ज्वाइंट करते हैं, वैसे ही यह जो प्रार्थना की स्थिति के संकेत देने वाली खोक पर एक साथ मुड़े हुए है। जैसे कि उसके जो हैंड्स है वो हैंड्स मुड़े हुए है, वो प्रार्थना करते हैं हम
वैसे उसके हैंड्स जो आगे के जो पैर जो रहते हैं उसके हैंड्स वो मुड़े हुए हैं, जैसे हमें लगता है कि वो प्रेयर ही कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। उसका नाम क्या है? प्रेयरिंग मैंटिस। उसके बाद देखो इल्क, 11th वन क्या है? इल्क। देखो इल्क, दिस एनिमल इज आल्सो नाउन एज वापिटी, अ नेटिव अमेरिका वर्ड दैट मीन्स लाइट कलर्ड डियर। इट इज रिलेटेड टू डियर बट मच लार्ज देन मोस्ट ऑफ देयर रिलेटिव्स। यह एनिमल एक ऐसा एनिमल है जो कि वो वापिटी के नाम से जाना जाता है। उसको यह एनिमल को वापिटी के नाम से जाना जाता है और यह एनिमल एक देशी अमेरिकी शब्द जिसका अर्थ है कि हल्के रंग वाला हरिन जिसका कलर क्या रहता है? पेंट रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हल्के रंग वाला हरिन जो है वो उसके नाम से भी वो संबंधित है और जो अधिकांश रिश्तेदारी के तुलने में भी बहुत बड़ा वह एनिमल है। जैसे कि यह एनिमल एक वापिटी के नाम से जाना जाता है और एक देशी अमेरिका शब्द जिसका अर्थ है हल्के रंग का हिरिन है और हिरिन जो है हिरिन से संबंधित है, लेकिन उनके अधिकांश रिश्तेदारी के तुलने में वो क्या है? अधिक बहुत बड़ा है। कौन है वो? इल्क है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है फोसा, लास्ट वन है फोसा। फोसा ये जो एनिमल है वो फोसा एनिमल्स कैसा है देखेंगे। दिस एनिमल इज रिलेटेड टू मोंगोस, इट इज अनक्यूब टू द फॉरेस्ट ऑफ मोंगोस्कार। इट इज एक्चुअली ऑन द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द मोंगोस फैमिली। यह देखो यह एक ऐसा एनिमल है, यह एनिमल मोंगोस से संबंधित है बट वो मेंडगास्कर के जंगलों में रहने वाला एक क्या है? अद्वितीय है। जैसे कि यह एनिमल मोंगोस से संबंधित है और वो मेडगास्कर के जंगलों में रहने वाला एनिमल है और यह वास्तव में मोंगोस परिवार से सबसे बड़ा मेंबर है। मोंगोस परिवार का वो सबसे बड़ा क्या है? मेंबर्स है। कौन है वो? फोसा है। डू यू अंडरस्टैंड? मोंगोस पता है आपको, हम कभी कभी देखते हैं रास्ते में आने के बाद, अगर उसका मुंह देखे तो हमें आज का दिन अच्छा शुभ जाता है, हम ऐसा बोलते हैं। वो मोंगोस जो है वह एक मेडगास्कर के जंगलों में रहने वाला अद्वितीय एनिमल है। कौन सा है वो? अद्वितीय एनिमल है। यह वास्तव में मोंगोस परिवार में से सबसे बड़ा मेंबर से एक है। मेंबर में से वो क्या है? एक है। यह लेसन आपको समझ में आया? तो हमें क्या करना है? ये अनकॉमन एनिमल्स जो है इसके बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं। वो कौन से एनिमल्स कैसे कैसे रहते हैं, कौन से इंसेक्ट कैसे रहते हैं और दिखने में कैसे रहते हैं, वो प्रेयर करे जैसा रहता है, और कौन से एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं और कौन से एनिमल्स के फर कैसे हैं, ये सभी इस लेसन में से हम देखा है। तो हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है वो ये फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आज हमें लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें का फर्स्ट वन है This animal is found
only on the island of Madagascar. सेकेंड वन है इट यूज इट्स sense of smell to sniff out its favorite food. Termites. वो क्या करता है? स्मेल को पहले स्मेल्स लेता है उसके ओल. थर्ड वन तो ये देखो, ये सिक्स दिए गए हैं यहाँ पे जो है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ जो है दिए गए हैं. और यह जो फिफ्थ है और उसके बाद और सिक्स सेवेंथ एट हमें लिखना है. यह जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अनकॉमन एनिमल्स की फिल इन द ब्लैंक्स है. ये जो दिख रहे हैं आपको, तो देखो हमें इसमें से फिफ्थ सिक्स सेवन देना, तो हमें टेंथ फिल इन द ब्लैंक्स देना है. तो ये देखो ये दिया गया है, तो ये जो है आप लिखना है अपने अपने बुक में. सिक्स्थ वन देखो, ये है सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन है ईल का एनिमल इज आल्सो नोन एज वापिटी. सेवेंथ वन फोसा एनिमल, फोसा इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट largest members of the mongoose family. सेवेंथ वन. एट्थ वन
who can animal who can has a large colorful colorful bill can has a large colorful bill which may look like it pick a beat but it is better adapt for feeding then toucan has a large colorful bills which may look like picks and beats but it is better adapt for feeding them देखो आज हमें ये लेसन क्या हुआ है ओवर हुआ है तो हमें क्या करना है ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है और आपको जो टेक्स्ट बुक दिया गया है वो टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक में नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं वो बॉक्स के नीचे ये जो अनकॉमन एनिमल्स जो है उसके नेम्स वो बॉक्स के नीचे लिखना है और लिखकर आपका नाम ऊपर बुक्स के ऊपर आपका नाम लिखना है हर एक पेज के ऊपर आपका नाम लिखना है और वो जो बॉक्स दिया गया है वो बॉक्स के नीचे वो एनिमल्स के नेम्स लिखना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सेंड करना है और यह जो है फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको एट दिए हैं और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है फिल इन द ब्लैंक्स आपके HW के नोटबुक में लिखना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के में भेजना है डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन Thank you.